हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। मैंने पहले एक वीडियो में आपको बोल दिया था और शायद आपको पता भी है, कॉलेज से आपको बोल दिया गया है कि 16 तारीख से जो है 16 अक्टूबर से आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। पर कॉलेज का डेट शायद चेंज हुआ है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉलेज स्टार्ट होने की वजह से, कब आपका स्टार्ट होगा नहीं होगा और किस कारण से अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो लेट क्यों होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको देना है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, कॉलेज में भर्ती हो गया, एडमिशन ले लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैंने जो आप लोगों को बोला था कि कॉलेज आप लोगों का जो स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से, वो एकदम फाइनल भी हो चुका था। बहुत सारे कॉलेज बोल भी दिया था कि देखिए 16 अक्टूबर से आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। शायद आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी बोल दिया गया है कि 16 तारीख से आप लोगों का कॉलेज जो है स्टार्ट होने वाला है। पर कुछ दिन पहले मेरा कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल कर रहे थे और आज भी 2-3 सब्सक्राइबर मुझे मैसेज किए कि भैया 16 तारीख से, मतलब 16 तारीख से हम लोगों का जो कॉलेज है वो स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों को क्या बोला जा रहा है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि कॉलेज बोल रहा है कि अभी भी काउंसलिंग कंप्लीट फुल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कॉलेज स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगे। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों का कॉलेज बोल रहा है कि 16 तारीख से आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट नहीं होने वाला, पर मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप दूर में रहते हैं, अगर आप कोलकाता में, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पर अगर आपका मतलब घर सपोज पकड़ लीजिए बहुत नॉर्थ में है या बहुत साउथ में है, तो आप लोगों का शायद मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि जाने में बहुत दूर है, तो हो सकता है तो जाके आप वापस थोड़ी आएंगे। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप जब भी कॉलेज जाएँ उससे एक दिन पहले, मतलब कल ही 16 तारीख से स्टार्ट हो तो कल और 16 तारीख को भी अगर एक दिन हम मिस करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में फ़ोन करके जान लीजिए, या आज भी जान सकते हैं, फ़ोन करके जान लीजिए कि कब से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है तभी जाइए, वरना फालतू का आपको अगर बहुत दूर आपका घर हो तो आपको आने जाने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बोलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भी एक बात मुझे बोलना है, देखिए बहुत दिन हो गया कि ये वेबसाइट आप लोगों का ख़राब होकर पड़ा है। देखिए एक वेबसाइट खराब हो सकता है, हम मान सकते हैं 2-3 दिन हो सकता है, पर कॉन्टिन्यूस 1 वीक होता जा रहा है, मतलब कम से कम 5 दिन हो गया मैंने देख रहा हूँ मैं, तो कोई भी मतलब इंप्रूवमेंट का कोई बात ही नहीं है। आपका जो वेबसाइट है आप लोगों का www.bmcc.nic.in, आप लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके मैं हर रोज़ देख रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। आप लोगों को भी मतलब मुझे पता है कि टेंशन हो रहा है, तो कोई भी काम नहीं हो रहा, ऐसे ही खराब होकर पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे कि जल्दी ठीक कीजिए अपना वेबसाइट, बच्चे लोग बहुत ही टेंशन में है। मुझे पता है आप लोगों का कितना टेंशन होता है, जब मेरा भी एग्जाम था मुझे भी बहुत टेंशन होता था। तो ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ एक बात कि जल्दी ठीक कीजिए, लोग बहुत टेंशन में है, और नया मतलब जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है जल्दी दीजिए। अगर आपको वेबसाइट ख़राब है तो लोगों का ईमेल आईडी तो आपके पास है ऑलरेडी, जो आप लोगों का काउंसलिंग हो रहा था तो अभी ना आपको ईमेल आईडी फ़ोन नंबर तो दिया है, तो सबको ईमेल कर दीजिए क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि सब पता चले सभी को। और अगर थर्ड काउंसलिंग या मॉपअप राउंड होने वाला है तो भी सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए, आपके पास तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा उन लोगों को, या जल्दी आप अपना वेबसाइट ठीक कीजिए, या फिर हम सभी को ईमेल आईडी में आप लोगों को दिया है वहाँ पे ईमेल हमको कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है। और अगर ये भी ना करें तो आप ये मतलब कम से कम बोल दीजिए कि आपका थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड कब होने वाला है। तो यही था ये वीडियो, मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत शेयर करना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे तो वो लोग जल्दी एक्शन लेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोग बहुत 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 शेयर करें। तो यही जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। ये पहला इन्फॉर्मेशन कॉलेज स्टार्ट होने की वजह से, मतलब कब होगा नहीं होगा ये वाला, और सेकंड जो है आप लोगों का वेबसाइट के बारे में। तो यही था आज का वीडियो। मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और फ्यूचर में भी और भी आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।